हेलो स्टूडेंट, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आयनिक इक्विलिब्रिया का कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। जैसे एक प्रॉब्लम दिया हुआ हमारे पास, व्हाट विल बी रिजल्टेंट पीएच, व्हाट विल बी रिजल्टेंट पीएच रिजल्टेंट पीएच व्हेन 200 मिलीलीटर ऑफ एन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl पीएच इज इक्वल टू 2 इज मिक्स्ड विथ 300 मिलीलीटर ऑफ एन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH पीएच इज इक्वल टू 12। तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ हमारे पास और इसका पीएच निकालना है। देखो, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिलाया जा रहा है। तो सबसे पहले HCl के बारे में देख लेंगे। इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ हमारे पास 200 मिलीलीटर दिया हुआ है और पीएच का वैल्यू 2 के बराबर दिया हुआ है। तो पीएच 2 का मतलब क्या होगा कि एच प्लस का जो मोलरिटी होगा 10^-2m के बराबर हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग एसिड बता चुके हैं कि जो H प्लस का मोलरिटी होगा ये बराबर किसका होता है, नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर होता है। तो बोल सकते हैं कि जो नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl दिया हुआ होगा इसका वैल्यू 10^-2n हो जाए। उसी फॉर्म में हमारे पास NaOH दिया हुआ है और NaOH का वॉल्यूम 300 मिलीलीटर दिया हुआ है, 300 मिलीलीटर, और इसका पीएच का वैल्यू 12 दिया हुआ है। ये बेस है, पीएच का वैल्यू अगर 12 है तो बोल सकते हैं कि पीओएच का वैल्यू कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर पीओएच का वैल्यू बोल सकते हो 2 है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस का वैल्यू 10^-2m हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग बेस में ऐसा बतलाए हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस में जो ओएच माइनस का मोलरिटी होगा ये नॉर्मलिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर नॉर्मलिटी ऑफ एनएओएच इज इक्वल टू 10^-2n और इसका वॉल्यूम 300 दिया हुआ है। तो दोनों का हम लोग मिली वैल्यूएंट निकाल सकते हैं, यानी कह सकते हो कि मिली वैल्यूएंट ऑफ HCl निकालेंगे तो नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर। नॉर्मलिटी हमारे पास कितना दिया हुआ है, नॉर्मलिटी 10^-2 दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम 200 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो इसका मिली वैल्यूम 2 आ जाएगा। फिर मिली वैल्यूएंट ऑफ NaOH निकालेंगे, NaOH का मिली वैल्यूएंट नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर, इसका नॉर्मलिटी 10^-2 और वॉल्यूम 300, तो यहां पर इसका मिली वैल्यूम 3 हो गया। यानी प्रॉब्लम हो गया मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिलाएंगे तो उस कंडीशन में जब मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, इसमें देखो NaOH का मोलरिटी ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग बेस का मोलरिटी ज्यादा है, तो OH- का मोलरिटी हम लोग निकालेंगे। मिली वैल्यूएंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस माइनस मिलिक वैल्यूएंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, जो कि बराबर कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू बराबर आ रहा है 3-2 बाय टोटल वॉल्यूम देखोगे तो 200 और 300, 500 इट इज इक्वल टू 1 बाई
500 तो मिल गया यहां से OH- माइनस का मोलरिटी मिल गया। देखो OH- माइनस का मोलरिटी कितना मिला हमारे पास, ये वैल्यू लिख सकते हो 1/500, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 10⁻³ m। तो यहां से हम लोग पीओएच का वैल्यू निकाल सकते हैं, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ ओएच माइनस, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं 3 × 3 − log 2, 3 log 2 का वैल्यू 0.301 होगा, 30 ही रखते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.70। और हम लोग को पीएच निकालना है तो 14 − 2.70 इज इक्वल टू 11.30 और इसका आंसर कितना हो जाएगा 11.30। तो एक्चुअली ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर का प्रॉब्लम दिया हुआ था, तो रिलेशन यही है, लेकिन इसमें डायरेक्ट नॉर्मटी वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, इसका पीएच दिया हुआ है। तो पीएच से हम लोग यहाँ पर एच प्लस निकाल लेंगे, यहां से पीएच से ओएच माइनस पीएच प्लस निकाल लेंगे और एच प्लस से ओएच माइनस निकाल लेंगे और फिर वहां से नॉर्मटी वॉल्यूम से मिली की वॉल्यूम निकाल के प्रॉब्लम बना लेंगे इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसका देख रहे हैं हम लोग। कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन, पीएच ऑफ सॉल्यूशन विच हैव 4.9 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर H2SO4। देखो ये प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग एसिड का है और स्ट्रॉन्ग एसिड का नॉर्मटी निकालना होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कितना होगा H2SO4 का, तो ये बराबर हो जाएगा H प्लस के मोलरिटी का और H प्लस का मोलरिटी जब मिल जाएगा तो पीएच निकाल लेंगे। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉर्मटी नहीं दिया हुआ है, ग्राम पर लीटर दिया हुआ है। तो इरिटेशन होता है कि अगर ग्राम पर लीटर दिया हुआ है और इसको हम लोग इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे तो नॉर्मटी में कन्वर्ट होगा, ये बतला चुके हैं मोल कंसेप्ट वाले क्लास में। तो 4.9 × 10⁻³ बाय इसका 98 मोलकुलर वेट होगा, बैलेंस फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे 49 10, तो ये वैल्यू बराबर किसका हो जाएगा 10⁻⁴ एम एच प्लस का। तो यहां से पीएच का वैल्यू निकालेंगे, ये बराबर हो जाएगा H प्लस का मोलरिटी और पीएच का वैल्यू निकालेंगे निगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस माइनस लॉग 10⁻⁴ पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट पीएच ऑफ सॉल्यूशन विच हैव 3.9
16.7 multiplied 10 to the power minus 2% weight by volume of calcium hydroxide ये दिया हुआ है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो नॉनटी होगा, नॉनटी ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ये बराबर हो जाएगा OH माइनस का मोलरिटी. और इसका नॉनटी कैसे निकालेंगे, तो इसका परसेंटेज स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे. 3.7 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 2 मल्टीप्लाई 10 ये कन्वर्ट हो गया ग्राम पर लीटर के फॉर्म में. उसके बाद हम लोग इसको इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड करेंगे. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये 74 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे 37, ये वैल्यू 10 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 10 टू दी पावर माइनस 2 एम ओएच माइनस का कंसेंट्रेशन आ रहा है. पीएच निकालना है तो अगर यहां से हम लोग पीओएच निकाले तो पीओएच का वैल्यू 2 हो जाएगा. और पीएच जानते हो कि पीओएच और पीएच मिलाकर 14 होता है, तो 12 हो जाएगा. यहां से आंसर मिल जाएगा. देखो एक नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, 100 मिलीलीटर ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 3 एम एच टू इज 4, 200 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 3 एम एच टू इज 4 एंड 400 मिलीलीटर ऑफ 10 टू दी पावर माइनस 3 एम एच सी एल आर मिक्स्ड. कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन, रिजल्टिंग सोल्यूशन का पीएच कितना होगा. यहां पर देखो हमारे पास तीन स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, H2SO4 फिर H2SO4 और HCl दिया हुआ है. तो एक से ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो इसमें H+ का कंसेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, तो तीनों का मिली इक्विवेलेंट निकाल लेंगे. समेशन ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर ऑफ रिजल्टिंग सोल्यूशन. तो देख रहे हो यहां पर कि हमारे पास तीन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड का मिली इक्विवेलेंट एक साथ एड करेंगे और वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं. इसका मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 100 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 3 नॉर्मटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम मिलीलीटर. इसका निकालेंगे देखो तो 200 दिया हुआ है मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 3 और मोलरिटी दिया हुआ है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 200 मल्टीप्लाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू दी पावर माइनस 3 इतना मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा. इसका मिली इक्विवेलेंट इतना होगा और इसको निकालेंगे तो HCl का मोलरिटी 10 टू दी पावर माइनस 3 है, बैलेंस फैक्टर 1, तो इसका मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 400 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर माइनस 3 बैलेंस फैक्टर 1 इतना ही रह जाएगा मिली इक्विवेलेंट HCl. तो इतना H2SO4 का है, ये भी H2SO4 का है और HCl का है, तो तीनों को हम लोग मिलाएंगे. तो इसको मिलाएंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0.1 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 200 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 0.2 प्लस यहां पर कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.4. और टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना होगा, तो 400, 200, 600 और 100, 700. यहां से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे इसके वैल्यू को तो 0.4, 0.2, 0.6, 0.1, 0.7 हो जाएगा. 0.7 बाय 700 तो ये वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे 7 बाय 7000 1 बाई 1000
इसका मीन्स क्या होगा कि इसका एच प्लस का जो मोलैरिटी आ रहा है ये बराबर आ रहा है 10^-3 एम का, तो पीएच का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, पीएच इक्वल टू 3। देखो एक प्रॉब्लम और इसमें डिस्कस कर रहे हैं, काफी इजी प्रॉब्लम है। कैलकुलेट पीएच ऑफ ए में दिया हुआ 10^-3 एन एच एन ओ थ्री, बी दिया हुआ है 10^-3 एम एच टू एस ओ फोर, सी में दिया हुआ है 10^-3 एन H2SO4, डी में दिया हुआ है 10^-2 NHCl, ई में दिया हुआ है 10^-8 NHCl, एफ 10^2 MHCl और जी कंडीशन में दिया हुआ है 10^-7 MHCl। देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन प्रॉब्लम है, एच प्लस का मोलैरिटी अगर निकालेंगे तो नॉर्मिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बराबर होगा जिसका बैलेंस फैक्टर 1 है, तो एच प्लस का मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, पीएच का वैल्यू इस इक्वेशन से निकालेंगे तो -2 आएगा। लेकिन ध्यान रखना कि पीएच स्केल जो बनाया गया है, पीएच स्केल ये बनाया गया है 0 से लेकर 14 तक और बीच में 7 आएगा एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 0 अगर किसी का पीएच आता है इसका मीन्स होता है कि मोस्ट एसिडिक, 14 अगर आएगा इसका मतलब मोस्ट बेसिक। अभी रेंज हम लोग कह रही है, अगर निगेटिव में अगर किसी का पीएच आ जाए -1 आ जाए तो -1 आंसर नहीं करेंगे, 0 आंसर करेंगे। अगर -2 आ जाए यहां पर तब भी आंसर कितना करेंगे, 0 करेंगे। उसी प्रकार 14 से अगर ज्यादा आ जाए तब भी 14 आंसर करेंगे। तो 0 का मतलब क्या होगा, मोस्ट एसिडिक, और 14 का मतलब होगा मोस्ट बेसिक। तो निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है कि सोल्यूशन का नेचर काफी एसिडिक है। लेकिन हम लोग जब पीएच निकालना होगा तो पीएच के वैल्यू को कितना पुट करेंगे, निगेटिव आंसर नहीं करेंगे, इसका जो आंसर होगा मोस्ट एसिडिक सोल्यूशन और मोस्ट एसिडिक का जो रेंज होगा 0। बाकी दो कंडीशन हम लोग डिस्कस किए थे, जैसे 10^-7 MHCl दिया हुआ है तो एच प्लस दोनों जगह से आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी आएगा, वाटर से। अब यहां भी हम लोग वाटर से कंसीडर कर सकते हैं लेकिन वाटर के द्वारा काफी कम मिलेगा, नहीं कंसीडर करेंगे। तो 10^-7 बाई HCl और 10^-7 एम बाई एच टू, अब दोनों को मिला देंगे तो याद आएगा 2 × 10^-7 और पीएच का वैल्यू अगर निकालें तो 7 − log 2 का वैल्यू 0.30 और ये वैल्यू आ जाएगा 6.70। 10^-8 NHCl, इसका पीएच बतलाए थे कि एच प्लस का मोलरिटी दोनों को द्वारा निकालेंगे, 10^-7 एम प्लस 10^-8 तो ये बराबर आ जाएगा 10^-7 प्लस 0.1 × 10^-7। तो डिस्कस किए थे पिछले क्लास में, इसका आंसर जो आता है 6.97। देखो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारे पास
each condition में 10 to the power minus 10 MHCl का अगर pH निकालना हो तो 10 to the power minus 10 MHCl में जो HCl के द्वारा प्रोड्यूस्ड हो रहा है ये 10 to the power minus 10 हो रहा है by HCl और वाटर के द्वारा कितना होगा 10 to the power minus 7 M और ये वैल्यू ही काफी कम है तो approximately ये वैल्यू 10 to the power minus 7 M आ जाएगा तो यहां पर pH का वैल्यू 7 ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बाकी सब नॉर्मल प्रॉब्लम है HNO3 दिया हुआ है H प्लस का जो मोलैरिटी आएगा 10 टू दी पावर माइनस 3 पीएच का वैल्यू 3 यहां पर देखो क्या होगा कि H प्लस ये मोलैरिटी दिया हुआ है तो हम लोग को इसको नॉनटी में कन्वर्ट कर लेंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 पीएच का वैल्यू निकालेंगे तो 2 माइनस लॉग 3 3 माइनस लॉग 2 सॉरी 3 माइनस लॉग 2 लॉग 2 का वैल्यू 0.301 तो वैल्यू हो जाएगा 2.70 यहां पर नॉर्मलिटी ऑलरेडी दिया हुआ है तो H प्लस का जो मोलैरिटी हो जाएगा ये 10 टू दी पावर माइनस 3 इसलिए पीएच का वैल्यू यहां पर भी नॉर्मलिटी दिया हुआ है तो यहां पर डायरेक्ट भी बोल सकते हैं पीएच का वैल्यू 2 होता है तभी तक जो प्रॉब्लम था या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में हम लोग पीएच का कैसे कैलकुलेशन करेंगे मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तब कैसे निकालेंगे फिर उसके बाद केवल स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा तब कैसे निकालेंगे केवल स्ट्रॉन्ग बेस का होगा तब कैसे निकालेंगे अगली क्लास में हम लोग चालू करेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक बेस फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड को भी उसमें मिलाएंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ये सब आगे डिस्कस करेंगे।